हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, ये आप ओपन कर सकते हैं, शीट नंबर 46 है आपकी बुकलेट की। हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम एक टिपिकल एनसीईआरटी स्कूल लेवल प्रॉब्लम है, बस कंपटीशन में हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम नाम की कोई चीज़ नहीं आने वाली। हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम ये है कि आपके पास एक हॉर्स है, आपके पास एक कार्ट है, घोड़े ने कार्ट को खींचना है बस, तो वो कैसे खींचेगा? तो हॉर्स क्या करेगा, इसको खींचने के लिए अपना पैर पीछे लगाएगा। अगर घोड़ा टांग ही नहीं उठाएगा, वहीं बैठ खड़ा हुआ है, तो फिर चलेगा कैसे? तो उसको पैर तो पीछे लगाना पड़ेगा, तो अपने पैरों को पीछे जोर लगाएगा, तो ज़मीन पे ग्राउंड पे फोर्स लगाएगा एफ, और बदले में ग्राउंड क्या देगा इसे, रिएक्शन देगा। ये रिएक्शन की फोर्स, देखो घोड़े के अंदर कोई ना इंजन नहीं लगा हुआ कि वो खुद ही वो दबाएगा, स्टार्ट करेगा गाड़ी और अपने आप गाड़ी चले, ऐसा नहीं होगा। तो उसको तो जोर ग्राउंड से मिलेगा जिससे वो आगे भागेगा कुछ ऐसे। आर जो रिएक्शन मिला, उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक वर्टिकल कंपोनेंट है। और घोड़े का वेट कितना है, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू वेट ऑफ द हॉर्स, और एच हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो ग्राउंड से टोटल फोर्स। तो आर मिल रही है, वो जितनी जोर की ग्राउंड को लगाएगा उतनी रिएक्शन फोर्स मिलेगी, उतना ये तो कंपोनेंट बनेंगे। तो ये फोर्स उसको आगे ड्राइव कर रही है, और वी फोर्स वेट को क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है, ताकि घोड़ा हवा में उड़ना जाए, उड़ता भी नहीं है, तो वी क्योंकि डब्ल्यू को बैलेंस कर रही है, सही है। तो आगे कौन लेके जा रही है, कौन सी फोर्स, एच, और कार्ट जो है उसमें फ्रिक्शन है एफ पीछे की तरफ, ठीक। अब अगर आप चाहते हैं कि ये हॉर्स कार्ट को खींच पाए, तो एच शुड बी ग्रेटर देन एफ, देखो टी एंड टी तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो आगे की ड्राइविंग फोर्स जो होगी वो फ्रिक्शन को ओवरकम अगर कर गई तो कार्ट मूव करेगा, ये लॉजिक है, सही है यहाँ तक। पर आपने ऐसे पेपर में लिख नहीं सकते कि सर ये देखो ना एच की फोर्स एफ से बड़ी है, तो वो अपन नंबर नहीं देगा टीचर। आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि लेट अस सपोज हॉर्स एक्सलरेट कर रहा है, और अगर हॉर्स एक्सलरेट कर रहा है तो हॉर्स की इक्वेशन क्या बनेगी, एच माइनस टी आगे की फोर्स माइनस पीछे की फोर्स, एच माइनस टी इज मास स्मॉल एम इंटू एक्सलरेशन, एच माइनस टी इज एम इंटू ए, हॉर्स की इक्वेशन आ गई। फिर कार्ट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, कार्ट की इक्वेशन क्या है, टी माइनस एफ इज कैपिटल एम इंटू ए, टी माइनस एफ, ये देखो टी माइनस एफ इज कैपिटल एम इंटू ए। आप इक्वेशन नंबर वन एंड टू को यहां लिखें, ऊपर एक के नीचे एक, टी से टी कैंसल, कैंसल करके एक्सलरेशन आ जाएगी, ये आपके पास हॉर्स की एक्सलरेशन आएगी। अब क्योंकि हॉर्स एक्सलरेट कर रहा है, हम एज्यूम कर रहे हैं वो भाग रहा है और वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो ए पॉजिटिव होगा, और अगर ए पॉजिटिव होगा तो ये टर्म शुड बी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि कैपिटल एच शुड बी ग्रेटर देन स्मॉल एफ। तो मैं भी तो बोल रहा था कि कैपिटल एच स्मॉल एफ से बड़ा तो घोड़ा खींच पाएगा, ये देखो कैपिटल एच स्मॉल एफ से बड़ा घोड़ा, मैं तो पहले ही बोल रहा था आंसर यही आएगा, पर लिखने का तरीका समझ में आ रहा है, आप ऐसा लिख नहीं सकते कि एच एफ से बड़ा होगा, हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और फिर नंबर कटेंगे, टीचर को ये भी नहीं बोल सकते लिखा, मैं भी तो ये बोल रहा था। तो हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम डिस्कस करो, सीधा आएगा, डिस्कस हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है अगर आई तो ये पूरा लिख देना। सर एक बार दोबारा बता।